गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 19th. आज 19th जनवरी, मैं होटल ओयो में ही था और कुछ ओयो में इशू होने के वजह से अब इतना दिन ओयो ने कोई इशू नहीं दिया, पर आज ओयो ने इशू एक मेरा कर दिया है. इशू ये क्रिएट हो गया है कि मैंने लॉन्ड्री में कुछ कपड़े दिए थे, उन्होंने लॉन्ड्री का कपड़ा लॉन्ड्री वॉश करके नहीं मिला. कल मैं उनको शाम से बोल रहा हूँ, बोलते दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ. बंदे ने ला के रखा है, किधर है, मिल रहा है, नहीं है, ये सब बहाने बहाने कर करके. मैंने बोला मेरे को अर्ली मॉर्निंग 7 को निकलना है, वेकअप कॉल सेट किया था, तब से अभी तक मुझे लॉन्ड्री का कपड़ा नहीं मिला है. मैं अराउंड 7:38 को उठ के रेडी हो चुका हूँ, लेकिन कपड़ा नहीं मिला. और अभी जब कपड़ा ला के दिया, उन्होंने बोला सर वॉश नहीं हुआ है, लॉन्ड्री वाले का मशीन खराब हुआ था. मैं बोला यार ये इस बात अगर आप सीधा बोल देते मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता. अब जो भी हो, खैर यार जो भी लेट हो गया, अभी पूरा पैकिंग रेडी. ये मेरा पैनियस के ऊपर अभी आपको एक बैग दिखाई दे रहा है, द मोटो स्टोर डॉट इन से आया हुआ है ये. कल मैंने लक्ष्य भाई को बोला था कि मुझे ये बैग चाहिए, तो उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया और उन्होंने ये बैग, हमारा बाद में ब्लॉग चालू था और बैग दे दिया, पैसा नहीं लिया भाई ने. ये वेबसाइट लक्ष्य भाई का एक फ्रेंड का है, तो लक्ष्य भाई ने उससे मंगवा के मेरे को दिला दिया था. लक्ष्य भाई की तरफ से मेरे को इस छोटे से ब्लॉगर को गिफ्ट दिया हुआ है विद अ स्टेटमेंट, अ गिफ्ट फ्रॉम अ बाइकर टू अ बाइकर. मैं सच में यकीन नहीं हुआ कल. मैं फिर आखिर मैं इंस्टा स्टोरी, इंस्टा पे आप लोग अगर कनेक्टेड हो तो आपको दिखाई देगा. ये मेरा कैमरा बैग रेडी है जो अभी पीछे बांधना है. इसको और सपोर्ट मिल गया वो दो बैग की वजह से. पैनियर रेडी खड़ा है, जैकेट पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है. अभी जो भी है निकलते 10:15 हो जाएगा. सब सामान पैक कर दिया है. मेरा भाई रुकने वाला है इधर अभी, तो उसके बाद वो थोड़ा लेट चेकआउट मारेगा यहाँ से. चलो मिलते हैं मोटो व्लॉग पे. आज का कुछ राइडिंग सेटअप इस तरह है. अब आने के टाइम ये वाला बैग नहीं था, अब ये बैग हमारा इसमें ऐड हो चुका है, जो एक्चुअली बहुत अच्छा था. मुझे ये क्लिप्स की वजह से पैनियर लेके आने के लिए भी बहुत ईजी पड़ रहा था. एंड अब पीछे पूरा पैक है और आगे पूरा गाड़ी रेडी है उड़ने को. अपनी तो जहाज है ना, ये उड़ना है अभी इसको. इसे अभी बॉम्बे जाके नाम भी डालना है, सोच रहा हूँ ऑन द वे कुछ ना कुछ नाम. अच्छा, ये बार दो एक्स्ट्रा फॉग लैम्प भी लगा दिया है और एक को फिल्मिंग कर दिया है. नया ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट ख़राब हो गया था. अब टेक्नो खान से वायरिंग भी कर दिया है, तो वायरिंग भी एकदम मस्त नीट एंड क्लीन हो गया है. आपको दिखाई देता है यहाँ पे कुछ वायर नहीं, वो है. तो इस तरह सफ़र मेरा अभी शुरू होने जा रहा है. अभी का ट्रिप रीडिंग आपका ट्रिप रीडिंग है 4160 ओडोमीटर. ट्रिप तो मेरा ख़राब है और बीच बीच में ट्रिप रीसेट हो जाता है, तो अभी मैं वही ओडोमीटर पे ही भरोसा करूँगा. जाने के बाद इसको रिप्लेस करके मिलने वाला है, बात हो गया है शोरूम में. बस इतना ही है. अब 5 मिनट लगेगा और हेलमेट और जैकेट पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है और निकल जाना है. चल भाई आराम से ना, आराम से भैया. अपना ग्रुप पे डाला नहीं एक फोटो? मैं डाल देता है. चल एक सेल्फी ले ले, ग्रुप पे डाल दे. बाय बाय. मॉर्निंग 7:30 को निकलने का था, तो सफ़र चालू हुआ है. ओडोमीटर ट्रिपिंग है 4160. अब रिटर्न पहुँचने के बाद हजारे आला है, तो इस तरह हम निकल पड़े हैं हमारे मुंबई के तरफ. आज का मेरा प्लान था
टू राइड टिल उदयपुर, लेकिन 7:30 को निकलना भी एक्चुअली थोड़ा मुश्किल भी था। अगर तैयार भी हो जाता तो भी निकलना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल में अटका रहता था, फॉग बहुत था जिसकी वजह से। तो आज का प्लान उदयपुर से शिफ्ट हो जाएगा प्रॉबेबली। अभी मैंने रूट तो उदयपुर का ही डाला है, आज का डिस्टेंस 650 किलोमीटर बता रहा है, तो ये उदयपुर का है। अगर पॉसिबल होता है तो उदयपुर तक चलाऊंगा। क्या है, दो तीन घंटा तो एक्स्ट्रा बीच में ऐड ऑन हो ही जाता है, तो 14 घंटा गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल टास्क है। और सिटी, दिल्ली सिटी से निकलना वो थोड़ा सा अलग सीन है। जो भी है, आपको मज़ा देता रहूँगा। तो सब्सक्राइबर्स मैंने यहाँ पे भी दिल्ली में भी बना लिया है। कल मेरा कुछ इश्यू हुआ था पुलिस वालों से, पंगा हो गया था। पंगा होने का रीज़न था उसको मोबाइल ऐप का लाइसेंस और आरसी दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दौला खान वाले रोड से हमें जाना है, अभी राइट मारना है हमें और हमें निकलना है। आज कितना दूर जा सकते देखते, 650 किलोमीटर का प्लान तो है, कितना खींच पाऊँगा देखते। घूमते पिछले 6-7 किलोमीटर से घूम ही रहूँ। अभी वापस एक ब्रिज मिल गया है, वो ब्रिज घूम के अभी मेरे को अंदर का रोड, लेफ्ट वाला रोड मिल गया। यहाँ पे थोड़ा रोड राइड करते समय भाई संभालना, ये चीज़ समझ जाना। एक टिकट मिस हो गया तो जैसे आपको यमुना एक्सप्रेस पे 26 किलोमीटर जाना पड़ता है, वैसे इधर भी 3-4 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अब मैं वापस बैक ऑन ट्रैक वाले रोड पर आ चुका हूँ। चलो मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप लोग एंजॉय करो। रेलवे क्रॉसिंग पे रुके हुए हैं, अभी डिफेंस एरिया में से, एयरफोर्स एरिया में से जस्ट बाहर निकला हुआ है। और एक अब यहाँ पे कन्फ्यूजन देखो, मैक्सिमस प्रो बता रहा है 70 मीटर्स पे राइट मारना है और गूगल माता बोल रही है लेफ्ट मारना है। कन्फ्यूजन बहुत है। मैक्सिमस प्रो वाला रूट ले लिया है क्योंकि वो जो राइट दिखा रहा था वो सही है, बड़ा रोड है। और लेफ्ट में अगर लेता तो लेफ्ट में छोटा रूट मिल जाता था। गूगल माते धन्य हो माते, आपको क्या बोले, आप तो हमें घुमा ही रहे हो। हमें जाना है वो डायरेक्शन, आप जाके जा रहे हो मुझे दूसरे डायरेक्शन पे। ये ब्रिज के ऊपर से बोला जयपुर का रूट देख लो, जयपुर का रूट से उदयपुर जाता है। बोला ओके। तो अभी हमारा GPS भी चालू हो गया, हमारा GPS इतना देर का हो गया था भाई, क्या कर रहा है। हाँ अभी बराबर दिखा रहा है दोनों।
का एक प्लस पॉइंट बोलूँ, यहाँ पे कैश के लिए काउंटर अलग है और ये जितना भी काउंटर्स आपको दिखेगा इसमें खाली कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट ही होता है। हो सकता है कुछ शेयरिंग बेसिस का रीज़न के लिए रहेगा। अच्छा आइडिया है कोस्टा कॉफ़ी काफ़ी टाइम के बाद, एंड कॉफ़ी और बनाना मफिंग्स, कुछ हल्का ही खाना था, भूख लगा तो रुका दिया, कोई घाई नहीं, अपने को आराम से पहुँचना है। मानना पड़ेगा भाई, ये बैग के लिए मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा बैग है, थैंक यू। मेरा भी ज़रूरत था, मैं तो ज़रूरत से मांगा, भाई का दिल बहुत बड़ा था, थैंक यू। इस बैग का एक्चुअल मज़ा लास्ट में, रात में जब होटल रुकूंगा ना तब दिखाऊंगा मैं। मुझे खाली ये बैग, वो बैग, ये वाला बैग और टैंग बैग, ये चार चीज़ को ही लेके रूम पे जाना है, क्यों इसके अंदर एसेंशियल्स पूरा, इसके अंदर चार्जर वगैरह सब डाल दिया है, दूसरे में कपड़े वगैरह है, बस हमारा सॉर्टेड है, बाकी पैनियर को खोलना ही नहीं है अभी हाईवे पे। सर, ओ सर, अजमेर यही रूट ना? हाँ अजमेर हाईवे, हाईवे कट जाओ। थैंक यू। एक बंदा जी नहीं सकता, आ आ ये देखो ऐसा उतरना पड़ता है सामान होने की वजह से। अब ऐसे हल्लो हल्लो पकड़ के हम आते हैं और गाड़ी को सेंटर स्टैंड में खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यस, अब खड़ा हो गया, अब ये उठ। अब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक हो गया, खड़े खड़े रिलैक्स हो गया, पहले वाले ओयो रूम में मैं घुसा तो उसने चेक इन डिनाई कर दिया, एक ही रीज़न बोल के, वो है बाजू वाली प्रॉपर्टी है ओयो का, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है हाली मैक्स का, अभी मैं रुका हूँ, विंटेज प्रॉपर्टी है ये, कॉटेज टाइप है, राजस्थानी, वाओ नाइस, लुक्स गुड। और बोला आपको गाड़ी वही प्रॉपर्टी के बाहर ही जाएगा और जो मेरा रूम है रूम के बाहर ही गाड़ी लगेगा। दैट इज साउंड्स ग्रेट। मुझे 549 रुपीज़ में रूम पड़ा एंड उन्होंने एक प्लस पॉइंट ये बोला मेरे को कि रेस्टोरेंट का में यहाँ पे थाली सिस्टम है। ये होटल रूम मिला हुआ है पूरा विंटेज मुंबई। आओ फिर आपकी सेवा कर रहे हैं। हाँ ये यस सर, प्यारा सा रूम मिला हुआ है। ये विंटेज लोकेशन दिख रहा है आपको, ये राजस्थानी होटल है,
जहाँ पे मैं अभी रूम दिया, दिखाया आपको रूम टूर, बहुत घाई में था क्योंकि भूख लगा था, तो अभी आ गया है। खाना एक बार आने दो, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। राजस्थानी खाना ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे थाली सिस्टम है, अच्छा रेट है 350 रुपये का। मक्के की रोटी और दूसरा रोटी आया हुआ है, बाटी आया हुआ है। ये तो कड़ी है, ये दाल कड़ी क्या? हाँ, ये दाल कड़ी, ये दाल, ये आलू गोभी, आलू गोभी, और ये बेसन कट्टा। बेसन कट्टा कम, बेसन कम, वो कट्टा कम डालना। हाँ बस ग्रेवी डाल दो खाली। क्या व्यू है, 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 पूरा एक विलेज जैसा, अपना जैसा मुंबई में चौकीदानी है बस वैसे टाइप में पूरा एक विलेज बनाया हुआ है। और अच्छा विंटेज स्टाइल में रूम्स, हेरिटेज स्टाइल में रूम्स रखा हुआ है। रूम का व्यू तो आपको दे दिया और रेस्टोरेंट का भी व्यू दे दिया। और क्या, करीब करीब 350 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैंने, एग्जैक्ट कल बताऊँगा कि कितना किलोमीटर चलाया, ये कल क्यों बताए, आज ही देख लेते हैं। तो रीडिंग है 4546, स्टार्ट किया था 4160 पे। चलो अभी कैलकुलेट कर, गाड़ी चला है 386 किलोमीटर। ड्राइव था, थका दिया क्योंकि एक्चुअली ठंड की वजह से थक गया, वरना मैं इतना प्रॉब्लम नहीं था। कल मॉर्निंग अराउंड 9:30 या 8:30, जितना जल्दी हो सकता है मैं निकलने की प्लान में, क्योंकि कल मुझे वडोदरा करना है, क्योंकि अगर वडोदरा किया तो ही नेक्स्ट डे का मेरा प्लान चलेगा। मेरे को 23 तारीख तक मुझे बॉम्बे टच करने का प्लान है, 23 या 24 को सुबह तक पहुँच जाना है। बस इतना ही है आज का दिन, आज का दिन बहुत अच्छा चला गया। ड्राइव पे आज पूरा बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी है, मेरे को बात करने नहीं हो रहा है, काँप रहा है मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टे ट्यून टू माय चैनल, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाने नहीं भूलना। मिलते हैं कल अजमेर टू वडोदरा वाले रूट पे, कल ट्राई करूँगा वडोदरा तक पहुँचने के लिए, नहीं तो अहमदाबाद में ब्रेक मारना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो यूट्यूब के दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो। कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन 1 महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माय नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।